खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुनान ने एक अहम मीटिंग का इनाकाद किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज संधु से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की मौजूदा बदलती हुई सियासी सूरत हाल के पेश नजर, चूंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, तो गुजरांवाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की एक बहुत ही अहम मीटिंग का इनाकाद किया गया है। हमारे साथ तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज की मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और इस मीटिंग का क्या खास एजेंडा था। जी तो हम बात करते हैं। जी सर, मेरा नाम आलम इस्लाम डार है, मैं पंजाब कौंसल का मेंबर हाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी। 50 साल मैं गुजरांवाले लोगों की खिदमत की है। असी उस अजीम कायद के पैरोकार हाँ जिन्हें जान देती, लेकिन असूलों के बरक समझौता नहीं किया। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की जात एक तारीख सी, उन्होंने जीना पाकिस्तान के वास्ते, मरना भी पाकिस्तान के वास्ते सी। बाकी लोगों दोस्तों साथियों, असा हमेशा रवादारी, असा हमेशा मुखलसपन का सबूत दिता, लेकिन साढ़े नाल फ्रॉड किया गया, धोखा किया गया हर वक्त, और हुण इस दफा भी साडा धोखा किया गया। धोखे के नाल सानू जिहड़ा लैट डाउन किया जा रहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी एक जमात है, यह दूसरिया जमात जड़ियां ना ये जमात नहीं, ये मफाद परस्तां दे टोले ने। बाकी इंशाअल्लाह असी साडी स्ट्रगल जारी है, कोशिश कर रहे हैं, मेरे नाल दूसरिया जमात के लीडर रबते कर रहे ने कि डॉक्टर साहब सानू मशवरा दो असी की करिए। उन्होंने असी पीपल पार्टी दावा दे रहे हैं, साड़ी जमात के आओ, इंशाअल्लाह तुहानू फतह मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बाकी अयूब साहब के जगह के उत्ते आके बड़ी खुशी हुई, एना बड़ी अच्छी महफिल सजाई है, दोस्त साथी साफी इन्होंने भी मिल के बड़ी खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया। मंजिल इश्क मिला करती है जहाँ बादों को, ऐसे वैसे यूं ही राहों में मर जाते हैं। हमें ऊपरी किराए से भी इतराज है, क्योंकि वो पुराने वर्कर को नहीं पूछते, पूछना चाहिए, उनका हक है पूछना चाहिए। पुराने वर्कर क्या किधर है, उसके घर जाएं, हम उनके साथ त्याग आएगी, हम उसके साथ जाएंगे, हर वर्कर के घर जाएंगे जो नाराज है। ये ख्याल से मेहरबानी है, वो आए इधर गुजराल में आए और पूछे। पहले हर इंसान के बाद नाम मोहब्बत बुलंद होता है, नाम खुदा के बाद। पीपल्स पार्टी एक तहरीक का नाम है जो ना कभी ख़त्म हुई है, ना डिक्टेटर उसे ख़त्म कर सका, ना ये जो नाम निहार जमहूरियत के दावेदार हैं वो कभी भी ख़त्म कर सकेंगे। हमेशा से भुट्टो नहीं दे दी कभी भी अपने समझौते से, भुट्टो साहब ने कभी भी जो है वो मुनरिफ नहीं हुए। इसी तरह बीबी शहीद ने भी अपनी ज़िंदगी दे दी, जान दे दी, और इस मुल्क के लिए वफादारी का पैकर रही। और जैसे बिलावल भुट्टो अब हमारी नई होप है, यूथ का टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान की 71% जो आबादी है वो कमोबेश यूथ है, और यूथ का लीडर यूथ ही हो सकता है। यूथ का लीडर कोई भी 75 साल का नहीं हो सकता जो अपने कोलो फेल में यू टर्न लेता हो, या कोई भी शरीफैन की तरह का बिजनेसमैन नहीं, एक व्यापारी नहीं हो सकता, व्यापारी नहीं है ये शरीफैन, बल्कि मदारी है। और जो पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है, इसमें हमेशा अच्छी चीज़ें हैं, और मुस्तकबिल जो है वो हमारे शहर का बहुत कीवर्ड हमारा मुस्तकबिल जो है पीपल्स पार्टी का गुजरांवाला में बहुत अच्छा है। और जैसे कि हकानी साहब हमने आज हमारी सरपरस्ती की है, मैच साहब ने की है, रणवीर साहब ने की है, राहत वीरक साहब ने की है, मलक विकास साहब ने की है, और बहुत फावर अयूब साहब ने की है। पीपल्स पार्टी को रीयूनियन भी कॉल उन्होंने दी है, और बहुत जल्द जो है ये पीपल्स पार्टी एक, ये आज उम्मीद नौ की सुबह है, और ये सुबह बहुत लंबी होगी। और साथ आपको बताता जाऊं कि जो 8 फरवरी है वो सदा का दिन होगा, वो तिरंगे का दिन होगा। कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरियाऊं समंदर में उतर जाऊंगा, भुट्टो जिंदा है, हाँ रहेगा, भुट्टो की सूरत में उसका फलसफा जिंदा है, और ये रहेगा। और गुजरांवाला पहले भी पीपल्स पार्टी का शहर था, और इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। यूथ जो है वो, और हमारे मैं यूथ साहब की क्यादत में जितने भी क्यादत है, सिटी सदारत या जो भी हैं, सारे ही लीडर हैं मेरे लिए, सारे काबिल एहतराम हैं। सब पुराने लीडरों से मशवरा करके, नए से आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा के, हम जो है वो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हर घर में जाना, और तिरंगे का, भुट्टो का, और बिलावल का,
जो है पैगाम हम हर शहर में बीजावाला की हर यूनियन कौंसिल में हर तहसील में हर वार्ड में देख जाएंगे और पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी का कोई भी हल्का पिछली दफा की तरह नहीं होगा। इस दफा 1700 वोट 900 वोट नहीं आएंगे। इस दफा हमारी कैलकुलेशन जो है वो सुबाई की 21-22-25 हजार से शुरू होगी और जो हमारे कौमी के उम्मीदवार हैं दो जो है शहर के, एक हमारा डिसाइड हो चुका है और नेक्स्ट वीक जो हो जाएगा बड़ा अच्छा इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। हमें बड़ी खुशी हुई, मेयर यूब साहब ने ये महफिल सजाई है, इस तरह जो भी सजाता रहेगा ये गुलदस्ता ये कारवां बढ़ेगा और भुट्टो का पैगाम हर घर हर गली हर कूचे में पहुंचेगा। विकास मलिक मेरा नाम जी, नाइब सदर स्पोर्ट्स विंग पंजाब का अहदेदार हां मैं। सन 1967 तो पार्टी के बुनियादी कारकुन हां। इंशाल्लाह ताला असी अपनी क्यादत के नाल चल के 50 सीटा इंशाल्लाह ताला घरों लैके निकलेंगे, बाकी सूबे इंशाल्लाह ताला असी अपनी सीटा कवर करांगे। मेरी क्यादत अगर गुजारिश है कि जो पुराने ज्यादा है भट्टो साहब के दौर के बीबी शहीद के ज्यादा जोड़े ने वो सानू शहर नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने डोर टू डोर जाके लिया जाए, एक टैंपू बनाया जाए इलैक्शन का, तो ज्यादा तो बगैर पार्टी कारकुनों तो बगैर नामुमकिन है। इंशाल्लाह ताला असं जो सारे कारकुन इकट्ठे हो जाएंगे अपने कंधे से बहा के बलावल भुट्टो असम्बली हाल छड़ के आवेंगे। हमारे साथ तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज की मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और इस मीटिंग का क्या खास एजेंडा था। जी तो हम बात करें, अस्सलाम वालेकुम। ये आज मीटिंग कराने का मकसद मेरा ये है कि पुराने कारकुन याद किया जाए, साढ़े सारे कारकुन जोड़े ने सारे पुराने जियाले जोड़े ने इकट्ठे ने पुराने वर्करा अहम बहर क्या इंशाल्लाह कढ़ांगे ते क्यादत गुजराले दी जिहड़ी खत्म हो चुकी है। ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया सरफराज तफसीला से आगाह करने का।